नीम गिलोय का काढ़ा सवेरे उठते ही पिए एक बार, अगर बहुत ज्यादा हावी हैवी है बॉडी तो 3-4 बार काढ़ा पिए। अजवाइन का पानी 2 चम्मच अजवाइन उबाल करके 1.5 गिलास पानी में, 2 गिलास पानी में, 1 गिलास रह जाए उबलता उबलता पौना गिलास अंदाज से, रात को सोते समय उसको पी ले तो अस्थमे का अटैक रात को नहीं आएगा, इनहेलर नहीं लेना पड़ेगा। रात को कुछ मुनक्का भिगो करके, अगर डायबिटीज नहीं है तो सवेरे किसी भी टाइम 10-15-20 मुनक्का शरीर के अनुसार किसी भी समय भोजन में खानी हो तो भोजन की जगह उसको खा लें, किसी की चीज़ का मिक्स करके ना खाएं, मुनक्का के बीज भी चबा चबा के खा लें। वो अस्थमे के अंदर में जितनी बलगम है उसको सारी को उचेड़ देती है, उसके अंदर थोड़ी गर्म भी होती है और खाते ही तुरंत उनको रिलीफ मिलेगा, जैसे इनहेलर लेने से मिलता है ऐसे ही उनसे तुरंत आराम मिल जाएगा उनको, जो है कोई दवाई या किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी दवाई को छोड़ने से, ये कर सकते हैं। इसके साथ साथ सुबह नाश्ते में मूली, जैसे आपको बताया जाता है कि मूली आजकल आ रही है, मूली खूब खाएं, पत्ते समेत खाएं। मूली छाती की सारी बलगम को निकाल देगी और निकल करके छाती की बलगम साफ हो जाएगी, जैसे जैसे बलगम निकलती जाएगी जमी हुई वर्षों की, तैसे तैसे अस्थमा ठीक होता चला जाएगा। अस्थमा कोई बीमारी नहीं है, फेफड़ों की कमजोरी और अंदर में बलगम का जमा होना अस्थमा है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो बॉडी को नहीं मिल रही अंदर, क्योंकि बीच में बलगम भर गई। जब भी बचपन से खांसी होती है तो हम दवाई खा लेते हैं, वो दवाई से वो रुक जाती है, सूख जाती है, फिर होती है, फिर खा लेते हैं, ऐसे 20-30 साल हम करते रहते हैं तो छाती बलगम से भर जाती है और भर करके फिर धीरे धीरे श्वास की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे करके, उसको फिर अस्थमा बन जाता है। तो अस्थमे के लिए आप अपने छाती के बलगम को करिए। इसके अलावा बथुआ आ रहा है, बथुए का रस पीजिए, हरी पत्तेदार सब्जियों का जूस निकाल करके पीजिए, पेठे का जूस पीजिएगा निकाल करके सवेरे, और रोटी चावल वगैरह ऐसी चीज़ें अगर आपका वजन ज़्यादा है तो बिल्कुल ही बंद कर दीजिए 15-20 दिन 1 महीने के लिए। पेट के ऊपर छाती के ऊपर गर्म पट्टी, गर्म पानी में लपेट करके, जैसे ये पट्टी है, इस पट्टी के जगह एक और पट्टी है लंबी है इससे, वो चेस्ट लपेट पट्टी है, चेस्ट की पट्टी है वो, उस पट्टी को गर्म पानी में अच्छी तरह काफ़ी गर्म हो उसमें निचोड़ लीजिए, निचोड़ के यहाँ रख के छाती के इर्द गिर्द लपेट लीजिएगा 1/2 घंटे के लिए। उसके ऊपर सूखी पट्टी लपेट लीजिएगा, गर्म पट्टी उसके ऊपर, ताकि हवा ना लगे और जो उसमें भाप है पानी के अंदर, भाप अंदर चली जाए फेफड़ों में हमारे, ये रोम स्कूप से, अगर बाहर से आप लोग पट्टी नहीं लपेटेंगे तो बाहर से भाप निकल जाएगी, जल्दी ठंडी हो जाएगी पट्टी। अगर उसके ऊपर गर्म पट्टी द्वारा लपेट लेते हैं तो भाप बाहर नहीं निकलेगी और जल्दी ठंडी भी नहीं होगी, वो भाप आपके फेफड़ों के अंदर चली जाएगी, अंदर जा करके आपके बलगम को सॉफ्ट कर देगी, नरम कर देगी और इमीडिएटली आपको अस्थमे का जो अटैक आया उससे रिलीफ मिल जाएगा, आपका सांस आराम से आपको आना शुरू हो जाएगा। और उसके साथ साथ गर्म पानी में पाँव रख लें, पट्टी लगी हुई है और गर्म पानी में पाँव रख लें 10-15 मिनट, और ऊपर से जो है ठंडा पानी डाल लें, ठंडा पानी नहीं, ठंडा तौलिया रख लें सिर के ऊपर गीला करके, ताकि सिर को गर्मी ना पहुंचे। जब आप पाँव जो है गर्म पानी में रखते हैं तो आपका बीपी हाई होने का डर रहता है, जिनकी किडनी खराब है या हार्ट प्रॉब्लम है जिनको, वो गर्म पानी में पाँव बिल्कुल ना रखें, खास करके इस बात का ध्यान रखें। किडनी खराब वाले पेशेंट, हार्ट प्रॉब्लम वाले पेशेंट जो है वो गर्म पानी में पाँव ना रखें, उनको प्रॉब्लम बढ़ सकती है। सिर के ऊपर ठंडा तौलिया जरूर रखें, जब भी गर्म पानी में रखें, ताकि सिर को गर्मी ना लगे, सिर के अंदर बीपी हाई नहीं होना चाहिए। आप ऐसा करते हैं तो आपको हार्ट अटैक, आपको अस्थमे का अटैक में तुरंत रिलीफ मिल जाएगा, आपको दवाई नहीं खानी पड़ेगी। अगर रात को अगर प्रॉब्लम आ गया, ये नहीं हो सकती, पट्टी नहीं लगा सकती, तो अजवाइन का पानी दोबारा पी लीजिएगा। अगर अजवाइन का पानी भी पीने में नहीं है तो अजवाइन उबाल करके पतीले में, जब उसकी स्टीम ऊपर निकल रही हो तो बैठ करके बीच में चारों ओर कपड़े से ढक लीजिए अपने आप को, चद्दर के साथ ऐसे पतीला आगे रख लीजिए, उस पतीले में से भाप निकलेगी स्टीम, उस स्टीम को गहरे लंबे सांस ऐसे करके लीजिए 10-15-20 बार, 10-15 मिनट जब तक स्टीम आ रही है, आप देखेंगे कि स्टीम लेते ही आपका वो सांस आराम से आना शुरू हो जाएगा, आपको हॉस्पिटल एडमिट नहीं होना पड़ेगा
और आपको कोई भी इनहेलर दवाई नहीं खानी पड़ेगी। जो इनहेलर लेते हैं उसमें भी एक कैप्सूल होता है, जहरीली दवाई होती है, वो अंदर जाके आपके फेफड़ों को गड़ाती है, कमजोर करती है। इनहेलर से जितनी जल्दी हो सकता है बचें।